तो हाइड्रोलॉजी इससे पहले कभी पढ़े, इससे पहले हाइड्रोलॉजी कभी सेमेस्टर में ऑनलाइन हुआ होगा सबका, किसी का ऑफलाइन हुआ है, अभी भी नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन है ना, सबको ऑनलाइन हुआ होगा। तो हाइड्रोलॉजी के बारे में क्या क्या जानते हो थोड़ा सा आप लोग बताओ, फिर मैं जो जानता हूँ वो बताऊँगा। ठीक है, बताओ, कोई बताएगा क्या? हाइड्रोलॉजी पढ़े तो होंगे यार, है ना, कि नहीं पढ़े एकदम से, है ना, बताओ क्या होता है हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में? वाटर के बारे में, नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, और लॉजी का मतलब क्या होगा, लोगोस का मतलब क्या हो गया, स्टडी या फिर साइंस, मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, वाटर के पीछे का जो रहस्य है उसको इंजीनियरिंग में ढूंढने वाले हैं। ठीक है, कि जब हम इसका यूज़ क्या है, हम हाइड्रोलॉजी पढ़ें क्यों, सबसे पहली बात आती है कि हम पढ़ें क्यों। ठीक है, तो हम किस लिए पढ़ें, तो जब हम लोग एक सिविल इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है, फिर हमें बोला जाएगा कि भाई कोई एक डैम को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर स्पिलवे या बड़े बड़े जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके पीछे हमें पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोलॉजी। ठीक है, कि वाटर में हम एक अगर कैनाल या फिर डैम बना रहे हैं तो उसमें कितना कैपेसिटी का हम वाटर उसमें रखें या कैसे फ्लो कराएं या उसका स्ट्रक्चर किस स्लोप से बनाएं और किस तरह से बनाएं कि वो 40 साल 50 साल जितने साल के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको 100 साल 50 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब उनको डिज़ाइन करना है और हम लोग ने ऐसे ही कुछ भी कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, हमारा करियर ख़राब हो सकता है। इस वजह से हाइड्रोलॉजी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो WRE का जो JEE का पोस्ट आया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इरीगेशन और हाइड्रोलॉजी से पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है, हमें वहाँ पर उन लोगों को ज़रूरत थी कि भाई उनके जो हम वहाँ पे डिपार्टमेंट में दे रहे हैं तो उसके पीछे हमें हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन पता होना चाहिए लोगों को, जो भी कैंडिडेट थे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो जैसे हाइड्रोलॉजी का अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे SCS का सबसे पहले। ठीक है, SCS में क्या वेटेज है हाइड्रोलॉजी का, फिर उसके बाद JEE के हम लोग बात कर लेंगे, जूनियर इंजीनियर का भी अभी पोस्ट आने वाला है। ठीक है, SCS का भी फिर से आने वाला है, अभी जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर आएगा SCS का, है ना, और उसके बाद क्या गेट कोई दे रहा है क्या, गेट कोई देने वाला है, गेट वर्ड के बारे में देख लेंगे। ठीक है, गेट में क्या स्कोर, इसमें कितने मार्क्स का आता है, उसके बाद ESC कोई दे रहा है, ESC कोई देगा, ESC देना चाहिए। ठीक है, ESC पूरा वो है, सबका बाप है ना, उसको पढ़ लिए तो ये सब तो फिर निकलना ही है ना, जैसे UPSC आदमी कोई पढ़ लेता है तो उसका मतलब स्टेट PSC तो निकल ही जाता है, अच्छे से पढ़ लेता है, तो वैसे ही अगर आप ESC को देख लिए अच्छे से तो उसके बाद ये JEE और SCS थोड़ा सा आसान हो जाता है, समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम क्या है ESC का भी देख लेंगे, है ना। अब SCS में जो है आपका हाइड्रोलॉजी, SCS में कितने क्वेश्चन रहते हैं, सबसे पहली बात SCS में दो पेपर होते हैं, तो दो पेपर में पहला पेपर कौन सा होता है, नॉनटेक, एक नॉनटेक और एक टेक्निकल। नॉनटेक में भी कितने, 150 क्वेश्चन, और टेक्निकल में भी कितने, 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, पहले हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, उसके बाद फिर डायरेक्ट इंटरव्यू और फिर देश सेवा। फिर उसके बाद देखो अब SCS में जो है उसमें अगर मैं बात करूँ हाइड्रोलॉजी का, ठीक है, हाइड्रोलॉजी का SCS में हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन दोनों मिला दें अगर, तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन जो है, 8 से 10 के बीच में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा SCS। ठीक है, कोई भी SCS हो, सब मिला के ही देते हैं, ऐसा कोई अलग से नहीं देगा कि ऐसे उसमें, जैसे JEE में हो जाता है कि JEE में बहुत सारे क्वेश्चन एक ही दे दिए और बाकी नहीं दिए, एक दो सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो नहीं देता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो नहीं देता है, एक दो क्वेश्चन दे दिए तो दे दिया, ऐसा हो जाता है।
लेकिन SCS में मिक्स रहता है, एक सब क्वेश्चन देना ही देना है ऐसा वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको SCS में देखने को मिल जाएगा हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन से, ठीक है। उसके बाद JEE में बात करें तो देखो JEE में वेरिएशन है ना, JEE में आ भी सकता है और मतलब अच्छा वेटेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। JEE में बात करें तो JEE में क्या है, बहुत सारा वो है, मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से है। अभी जैसे WRD में हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, कई सारे में नहीं आते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंट जो आपका वैरायटी हुआ, जैसे इरिगेशन में था तो उसमें इरिगेशन में हमारा आया यहाँ पे, है ना। कुछ हाउसिंग बोर्ड का रहेगा तो शायद ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो पढ़ना तो भाई सब सब्जेक्ट, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, समझ में आया। हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट जो है आप नहीं पढ़े होंगे, सामने वाला पढ़ा होगा तो सामने को वाले को बनेगा, जो आप पढ़े हैं वो पढ़ा ही है, लेकिन सामने वाला जो आप नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ा है, तो उससे वो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन से ही आपका पता कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10-11 सब्जेक्ट हैं सिविल में, सारे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, समझ में आ रही बात। और निकालना कैसे, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो निकालना कैसे है, एग्ज़ाम केवल निकालना है, केवल और केवल कैसे, पढ़ के, और दूसरा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम और आप वो बंदे नहीं हैं जो एक रात में, या फिर जो बोलते हैं ना कि जो पूरा दिन खेलते रहता है और 1 घंटा भी पढ़ लिया तो वो निकाल देता है, ठीक है। अपने आप को ये मत समझना कि मैं ऐसे ही कभी 1-2 घंटा पढ़ के निकाल लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो लाखों में कोई एक का होता है, ठीक है। और ये भी है कि चलो तुक्का मार लेंगे वो सही हो जाएगा, वो कभी नहीं होता, ठीक है। तुक्का वक्का जब कब काम करता है, जब आदमी पढ़े रहता है, 1-2 बार उसको देखे रहता है, कोई भी क्वेश्चन को देखे रहता है ना, तो दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हाँ ये हो सकता है, उसमें भी वो 50% है, ठीक है। अब माइनस मार्किंग रहता ही है, तो माइनस मार्किंग है तो आप जान रहे हो माइनस मार्किंग का मतलब क्या, कि एक क्वेश्चन तो गलत हो ही रहा है, उसके साथ साथ वो जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का मान लो है, वो तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ 0.5 जो भी है, 0.25 जो 1/4 है अगर, तो वो भी जा रहा है साथ में, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स तो जा ही रहा है। इसके पीछे का लॉजिक देखो, बोलते हैं ना कि अरे यार माइनस मार्किंग है, एक ही क्वेश्चन तो एक गलत हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का देखो क्या, कि 1 मार्क्स तो जा ही रहा है आपका, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स तो जाएगा, लेकिन साथ साथ में आपका जो सही है 0.25 वो भी जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए अगर 50 या 70% श्योर है किसी भी क्वेश्चन में, तो ही उसको मार्क करना सही है, ठीक है। और एग्ज़ाम इतना, कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको, आप अगर नॉर्मल ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि चलो अभी ये कर लिए, अभी आराम से हमारा टाइम जो है वो 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ने का है, तो हम 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद थोड़ा मोड़ा घूम लिए, घाम लिए, फिर उसके बाद आके पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। आपको अपने कम्फर्ट जोन से जो है उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब दिन और रात तो देखना ही नहीं है, कि दिन हो गया कि रात हो गया, कि नींद आ रहा है, कि आज पेट खराब है, ये सब कुछ नहीं, वो करना ही पड़ेगा। हर एक दिन मतलब ऐसा दिन समझना है कि जैसे दूसरे दिन एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है। ये बड़े थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हम लोग फेस किए हैं उस बात को, ठीक है, तो वो बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक वो बुक होगा, बुक को पढ़ना, एटॉमिक हैबिट करके एक बुक होगी, उसको पढ़ना, कि अगर हम एक फीसदी भी अपने से ज़्यादा, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा करते हैं, तो 1 साल में हम 33% ज़्यादा काम कर लेते हैं, 33% हम ज़्यादा काम करते हैं। केवल 1 फीसदी आपको अपने काम से ज़्यादा करना है, अपने काम से 1 फीसदी ज़्यादा करना है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत पढ़ लिया तो बहुत हो गया, वो बहुत कमी है। और सुबह उठ के सबसे पहले 5 मिनट अपने आप को टेंशन में देना है कि आज मेरे को क्या करना है, टेंशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेंशन दोगे जब सुबह से देखोगे कि यार साला आज मेरे को ये करना है, और फिर रात में ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, रात में ही लिख लो कि ये मेरे को करना है,
और फिर नेक्स्ट रात में जब उसको टिक करते हो ना कि हाँ ये हो गया है, हाँ ये हो गया है, हाँ ये हो गया, तो दिल को इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सब है भाई। अगर मेहनत करना है तो फिर करना है, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, ठीक। तो SES में आपका 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, हाइड्रोलॉजी से। JEE में भी ले लो 10 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से, समझ में आ रहा है। गेट में जो है वो तीन से चार मार्क्स का रहता है, ठीक है, 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है। तो गेट में ज़्यादा इसका एडवांटेज नहीं रहता है। इरीगेशन और हाइड्रोलॉजी से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। SES में भी 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं SES में, क्योंकि SES बड़ा है, दो पेपर होते हैं, तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम लोग हाइड्रोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉर्मल सा, क्योंकि आज कम लोग भी हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 से 15 दिन में आपका हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेली का क्लास रखेंगे, दो दो घंटे की क्लास रखेंगे, तो आपका हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखने से पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम हाइड्रोलॉजी में सबसे पहले जो है एक छोटे से बूंद, मतलब हम एक रेनफॉल से स्टार्ट करके, हम कहाँ से, रेनफॉल से स्टार्ट करके हम जब देखेंगे, लास्ट में हम फ्लड तक देखेंगे, मतलब बड़े बड़े जो फ्लड आते हैं वहाँ तक हम वाटर की स्टडी करेंगे। एक छोटे से रेनफॉल से हम कहाँ तक जाएंगे, फ्लड तक देखेंगे, कि फ्लड आने के चांसेस में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि किसी भी स्टेट या कोई भी जगह में अगर फ्लड आ जाता है और फ्लड आने की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, पहले से संभावनाएं रहती है ना भाई, हर एक डिपार्टमेंट में, जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, इनको पहले से पता रहता है कि भाई यहाँ पे आने वाला है। जैसे बिहार में हर 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 साल क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, शोक नदी किसको बोलते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, हर साल में, हाँ, असम में भी अभी आया है। ठीक है, तो उनको पहले से पता, अंदाजा हो जाता है, इस वजह से वो वहाँ से उतनी सुरक्षाएं या फिर उतना बंदोबस्त किए रहते हैं, तब भी इतना नुकसान होता है। अगर वो उतना नहीं किए रहेंगे तो और नुकसान होगा, कि नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा हाइड्रोलॉजी है उसमें इंट्रोडक्शन में हम वाटर साइकिल को देखेंगे। वाटर साइकिल आप लोग ने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, हाइड्रोलिक साइकिल या फिर वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में कैसे हमारा जो वाटर है वो इस ग्राउंड में आता है और कैसे ग्राउंड से, ओशन से, वो क्या हो जाता है, वापस इवोपरेशन हो जाता है और फिर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू फिर से वो कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड में आ जाता है। ठीक है, तो देखो, और इसी के हर एक जो भी यहाँ पे डेफिनेशन रहेगा वो हमारा यहाँ पे अलग अलग चैप्टर बनेगा। ठीक है, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रन ऑफ हो गया, फ्लड हो गया, हाइड्रोग्राफ हो गया, ये सब हमारे क्या क्या हैं, चैप्टर्स हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को हमें अलग अलग देखना है, अच्छे से देखना है, पूरा ब्रीफली देखना है। ठीक है, तो देखो, अब वाटर साइकिल जब हम स्टार्ट करते हैं, तो वाटर साइकिल स्टार्ट होता है हमारा ओशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो कहाँ पे पाया जाता है, ओशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ओशन बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, सागर वाटर। अब ये जो ओशन का वाटर है, अब हमारा जो मेजर सोर्स है इवोपरेशन का, मेजर सोर्स क्या है, सन, है ना, सन की वजह से हमारा क्या होता है, इवोपरेशन होता है, होता है कि नहीं। तो ये हमारा मेजर सोर्स क्या है, यहाँ पे सन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो ओशन का वाटर है वो है, ठीक है, वो अपने कांस्टेंट रेट से कहीं भी बह रहा है वहीं पे बह रहा है। ठीक है, अब सन क्या हुआ, सन जो है उसने अपना जो रेज है, जो सन की रेज है वो क्या करी, ओशन में गिरना चालू हो गई, रेज है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल अपन पानी उबालने के लिए, पानी गर्म करने के लिए क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं भाई, गैस में रखते हैं तो उसमें गैस चालू करते हैं तो हीट
प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे बुलबुले उठने चालू हो जाते हैं पानी में। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो सन है वो अपनी रेस यहाँ प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से जो ओशेन है वो क्या करता है, ये जो ओशेन लिक्विड फॉर्म में रहता है वो वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो ओशेन है वो क्या हो जाता है, लिक्विड से, जो हमारा लिक्विड है वो तो वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो जैसे लिक्विड स्टेट से वो क्या करना चालू हो जाता है, वेपर फॉर्म में स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो जैसे ही हमारा कोई भी वाटर लिक्विड स्टेट से वाटर स्टेट में चेंज होना, लिक्विड से वेपर में चेंज होना चालू हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हमारा डेफिनेशन देखने को मिलेगा वो है इवेपोरेशन। ठीक है, समझ में आया, इवोपरेशन क्या होता है, कि इवोपरेशन में क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है जब लिक्विड स्टेट से गैसियस या फिर वेपर स्टेट में चेंज होने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। ठीक है, समझ में आया, ये सब पता होगा पहले से। ठीक है, अब जब ये वेपर है, जब ये वेपर जो है वो कंडेंसेशन के थ्रू क्या बनाते हैं, क्लाउड बना देते हैं, बादल बना देते हैं, बनाते हैं, है ना, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये जो हमारे वेपर है, जो यहाँ से वेपर प्रोड्यूस हुए हैं, वो ऊपर में जाके एटमॉस्फेयर में जाके क्या कर देते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू एक क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, क्लाउड क्या होते हैं, वेपर्स के ही हल्के हल्के जो वेपर्स होते हैं उन्हीं का फॉर्मेशन होता है, क्या, बादल, क्लाउड। ठीक है, अब ये बादल बना दिए, तो ये जो बादल होते हैं वो फिर क्या करते हैं, पहले क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ये जो बादल हैं, जो क्लाउड हैं, वो क्या रहते हैं, पहले हल्के हल्के वेपर्स में मिलके बने होते हैं, फिर जब ये भारी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, विंड की वजह से, कुछ भी हो सकता है, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, ये क्या हो जाते हैं, जब भारी हो जाते हैं तो फिर ये क्या कर देते हैं, यही जो वेपर है वो उसमें क्या करने लगते हैं, कहाँ पे, ग्राउंड में प्रेसिपिटेट करने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारिश नहीं बोलेंगे, रेनफॉल नहीं बोलेंगे, रेनफॉल एक अलग टर्म है रेनफॉल। ठीक है, जब अब हम लोग यहाँ पे अब इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ना रेनफॉल ना बोल के हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्रेसिपिटेशन बोला करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे सबसे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पहला चैप्टर होगा वो पहला चैप्टर ही रहेगा, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो प्रेसिपिटेशन में बहुत सारे टाइप होते हैं, प्रेसिपिटेशन के क्या क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्नो हो सकता है, ड्रिजल हो सकता है, ग्लेज हो सकता है, ठीक है, और क्या, हेल हो सकता है, जो ओला पड़ते हैं, वो टाइप हैं किसके, प्रेसिपिटेशन के। तो अब हम, हाँ, ड्यू, बिल्कुल ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं, इस वजह से हम इसको रेनफॉल ना बोल के हम अब क्या बोलेंगे, हमेशा प्रेसिपिटेशन बोला करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो इवोपरेशन जो है, इवोपरेशन को हम लोग ई से डिनोट करेंगे, है ना, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम ई लिखेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या हुआ, बादल जो है वो क्या हुए, बरसना चालू हुए, तो वो क्या करे, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गए, कहाँ पे, ग्राउंड में, ग्राउंड में नहीं, अभी यहाँ पे ओशेन में ही, अभी हम ग्राउंड में चलेंगे, ठीक है, ओशेन में ही क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन में कोई दिक्कत, इवोपरेशन का मतलब क्या हुआ, यहीं पे अपने को यहीं पे सब चीज याद कर लेना है, घर में जाने का कोई पढ़ने का, बस एक बार 15 मिनट रिवीजन करना है और उसके बाद हमारा हाइड्रोलॉजी जो है उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा ये यहाँ पे मोटो रहेगा कि यहीं पे सबको याद हो जाए, भले ही 2 घंटे से 2.5 घंटा हो जाए। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्या हुआ, इवोपरेशन क्या हुआ, इवोपरेशन बोल के पढ़ेंगे, बोल के पढ़ने से क्या होता है, अच्छा याद हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से हमारा गैसियस में या वेपर में चेंज हो गया तो उसको हम इवोपरेशन बोल दिए। अभी ये स्टार्टिंग है, फिर आगे अच्छे से और पढ़ेंगे उसको हर एक बारे में। प्रेसिपिटेशन में क्या हुआ, हमारा जो ये कंडेंसेशन हुआ था क्लाउड का, वो क्या हुआ है, फिर ग्राउंड वाटर में क्या हो गया, प्रेसिपिटेटेड हो गए, है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रेसिपिटेशन बोल दिया इसको। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि केवल ओशेन में ही हमारे क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, और ओशेन में ही क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, तो ग्राउंड के बारे में क्या,
ग्राउंड में तो होती है ना बारिश, बारिश तो हो ही रही है ग्राउंड में, ठीक है। तो ग्राउंड में कैसे पहुंचती है, ग्राउंड में कैसे पहुंचती है, तो ये जो बादल होते हैं ना वो पहले हल्के होते हैं, जब ओशन में जाएंगे ना तो वो क्या रहते हैं, हल्के हल्के वेपर्स के फॉर्म में रहते हैं। तो विंड की वजह से, किसकी वजह से, विंड की वजह से, ठीक है, विंड की वजह से ये क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, विंड की वजह से मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, विंड की वजह से ये जो हो जाते हैं बादल, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं, समझ में आया। अब ये आ गए कहाँ पे, ग्राउंड में, अब ये आ गए हमारे ग्राउंड में। अब ग्राउंड में क्या क्या उन्हें देखने को मिला, ग्राउंड में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले यहाँ पे रहता है एक तो ग्राउंड लेवल रहता है, जो हमारा ग्राउंड है वो एक रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे में देखने को मिलेंगे, पेड़ पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, मिलेंगे घर देखने को मिलेंगे, मिलेंगे क्या मिलेंगे, और क्या मिलेगा देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ग्राउंड हो गया, उसके बाद पेड़ पत्ते हो गए, और घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनी होंगे, है ना, ठीक है। और ये चीज़ भी जान रहे हैं ना, नीचे में क्या रहता है, ग्राउंड वाटर टेबल रहता है ना, नीचे में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में, डीप होने के बाद एक ग्राउंड वाटर टेबल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब ये जो बादल हैं, अब ये बादल हमारे कहाँ पे आ गए, ग्राउंड में आ गए, आ गए ग्राउंड के ऊपर में है, इन्वायरमेंट पे, ऊपर के इन्वायरमेंट में हमारे बादल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये हमारे प्रेसिपिटेट करेंगे, ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करना चालू करते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन करना चालू करते हैं। तो कुछ ऐसे वेपर होते हैं, कुछ ऐसे हल्के वेपर होते हैं, जो इन्वायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक आने से पहले ही इवोपरेट हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, बात को देखिएगा, ये जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है, उसमें से कुछ वाटर जो बहुत हल्के होते हैं, वो ग्राउंड तक पहुँचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या, कि कुछ जब हमारे ग्राउंड की बात होगी, जब हम बारिश में, जब कहाँ पे ग्राउंड में बारिश होगी, तो उसमें से कुछ ऐसे वेपर होंगे जो ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जा रहे हैं, वेपराइज हो जा रहे हैं, वेपर में चेंज हो जा रहे हैं। समझ में आई क्या बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई जैन भाई, समझ में आ रहे हैं क्या, क्या समझे, ग्राउंड में नहीं, जब हमारा जो ये कंडेंसेशन हो रहा है, जो क्लाउड बन रहा है, क्लाउड बनने से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कहाँ तक होना चाहिए, ग्राउंड तक आना चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड तक आने से पहले ही क्या हो जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो हमारे रेनफॉल हैं वो क्या हो जा रहे हैं, इवोपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, इवोपरेशन हो जा रहा है उनका पहले ही, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको एक टर्म बोलेंगे, वो एग्जाम में पूछता है कि भाई ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, क्लियर है बात। तो इस वाटर को और देखना, अब देखो यहाँ पे हमारे जो पेड़ पत्तियाँ होती हैं, जो बारिश होती है, तो उसमें भी कुछ रिटेन हो जाते हैं, पेड़ पत्तियों में भी रह जाते हैं कि नहीं रह जाते, ये सब तो हम लोग देख रहे हैं ना भाई। देखो सिविल कितना अच्छा है कि देख, हर चीज़ देखा जा सकता है, ईटा है तो है, ईटा सामने में है कि नहीं, बारिश हो रही है तो देख रहा है सामने में, और कोडिंग वोडिंग में कुछ दिखता तो है नहीं, सब इमेजिनेशन है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग अच्छे से और अच्छे से देख सकते हैं कि भाई बारिश हो रहा है तो हाँ भाई बारिश हो रहा है, सामने में है, हकीकत में है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ वाटर क्या हो जाता है, रिटेन्ड हो जाता है, रह जाता है कि नहीं, ये इमेजिनेशन तो करने, ये तो देख सकते हैं अपन, रह जाता है। अच्छा, जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, उसमें भी कुछ वाटर रह जाता है कि नहीं, छतों में बाद पानी जो है वो कुछ रह जाता है कि नहीं, रिटेन होता है कि नहीं, वो पूरा ग्राउंड वाटर तक आ पाता है क्या, नहीं आ पाता, वो वहीं से ही इवोपरेट हो जाता है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जो वाटर ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही इवोपरेट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इंटरसेप्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्शन बोलते हैं, ठीक है।
ये सारी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। समझ में आया क्या? ये तीनों क्या ग्राउंड तक आने से पहले ही इवोपरेट हो जाना, रिटेन्ड हो जाना, ठीक है, पेड़ों पेड़ पत्तियों में रिटेन्ड हो जाना और फिर वो इवोपरेट हो जाना। जो हमारे रूफ रहती है, जो हमारे बिल्डिंग्स रहती हैं, वो क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती हैं और फिर वहीं से वो इवोपरेट हो जाती हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो पूछ लेना है साहब। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो आ गया ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड में आ गया। ठीक है भाई, अब ग्राउंड में आ गया तो जैसे ही ग्राउंड में आया तो वैसे ही हमें, जैसे t = 0 सेकंड मतलब जैसे आया तैसे, उस टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें बारिश दिखती है क्या, वहाँ पे हमें वहाँ पे बूंदे दिखती हैं क्या, जो भी हो रहा होगा, रेनफॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रेसिपिटेशन दिखता है क्या वहाँ पे? जब पहली बारिश होती है तो वहाँ पे तुरंत हमें वाटर दिखता है क्या? नहीं दिखता। हाँ, ग्राउंड पे नहीं दिखता है। तो वो जाता कहाँ है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है सबसे पहले, जो देखो हमें भूख लगी है तो हम क्या करेंगे, खाएंगे ना, पहले हम अपना पहले कैपेसिटी तो कंप्लीट कर दे। तो वही जो हमारे ग्राउंड के नीचे में जो ये सॉइल है, जो रॉक्स हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पानी जो है वो यहाँ की कैपेसिटी को फिल करता है। जो सॉइल्स हैं वो क्या है, सूखे हुए हैं, अब उनको चाहिए क्या, पानी, तो वो अपने वॉइड्स को पहले वाटर से फिल करते हैं कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, कि हमारा जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ वो क्या हुआ, जो सॉइल थी ग्राउंड वाटर में, जो ग्राउंड पे जो भी सॉइल थी वो क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली, ठीक है, एब्जॉर्व कर ली। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया है? बताओ, समझ में आया, कोई दिक्कत? इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन नॉर्मल अपनी भाषा में, हम लोग भी अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं, वो फिर लैंग्वेज देख लेंगे, इंग्लिश जो है उसको डेफिनेशन जो है उसको देख लेंगे, पहले अपनी भाषा में तो बताओ कि इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है। बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ अपने को बस जानना है, बाकी वहाँ तो हम समझ लेंगे ना भाई, इंग्लिश तो उतने ही आते होंगे, वहाँ समझ लेंगे, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, अपने वर्ड्स में समझना जरूरी है कि नहीं। इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या, उसके बाद जब हम अपना पेट भर लिए, हमारी कैपेसिटी क्या हो गई भाई, कंप्लीट, भाई मेरे को अगर 10 रोटी खाना है तो मैं 10 रोटी खा लिया, अब उसके बाद फिर से मेरे कोई बोलेगा खाने को तो मैं खा पाऊंगा क्या, नहीं खा पाऊंगा, फेंक दूंगा, है ना। तो वही चीज़ क्या होता है, यहाँ पे भी लागू होता है, क्योंकि हमारे जो सॉइल है वो उसकी कैपेसिटी हो गई है फिल, उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी फिल हो गई भाई, वो अब उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता, ये सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है, फिर हमें यहाँ पे वाटर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, मतलब फ्लो होते हुए दिखाई देते ना भाई, जब बारिश हो जाती है, अभी देखना बाहर जाके कितना पानी भरा हुआ, बाहर में कितना पानी भरा होता है कि नहीं, अच्छी बारिश हो जाए तो देखो कितना पानी भर जाता है, साला नाला पूरा गिरने लगता, मतलब सड़क वड़क में पानी आ जाता है कि नहीं, आ जाता है कि नहीं भाई। तो क्या होता है, इस जो ये यहाँ पे वाटर फ्लो होता रहता है ग्राउंड के ऊपर में, जो वाटर फ्लो होते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे, रन ऑफ बोलेंगे भाई, इंग्लिश सिविल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रन ऑफ। क्लियर है बात, समझ में आया कि इन्फिल्ट्रेशन हमारा हो गया था कंप्लीट, उसकी कैपेसिटी हो गई थी फुल, अब उसने क्या किया कि उसने उगलना चालू किया और ये रन ऑफ देना चालू कर दिया। क्लियर है, ठीक है, हम लोग क्या किए, इवोपरेशन देखे, प्रेसिपिटेशन देखे, और क्या, इंटरसेप्शन देखे, इन्फिल्ट्रेशन देखे और रन ऑफ देखे, और भी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये जो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर है, ये हमारा क्या है, वाटर है, यहाँ पे तो भाई पानी है कि नहीं है पानी। अच्छा,
तो ये जो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर है वो धीरे 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 करके ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। रॉक्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है सॉइल ही हो, रॉक्स भी हो सकती हैं। तो रॉक्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे एक लेयर्स टाइप में धीरे 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 वाटर क्या होते हैं, वो ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुँच जाते हैं। कहाँ तक? ग्राउंड वाटर टेबल तक। तो जो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन। समझ में आया? परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन में क्या अंतर, परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन में क्या अंतर? कि इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, यहाँ पे सॉइल में ऑब्जॉर्व होता है। जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है वो सॉइल में ऑब्जॉर्व होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। अब यही इन्फिल्ट्रेशन जब ग्राउंड वाटर टेबल तक रीच कर जाता है, यही इन्फिल्ट्रेशन जब ग्राउंड वाटर टेबल तक रीच कर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? कोई बोलेगा कि इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन सेम है क्या? नहीं है, ठीक है, दोनों में अंतर है। क्लियर हो गई बात? ये हो गया हमारा परकोलेशन। उसके बाद, अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि अब हम लोग पेड़ में चलते हैं, ट्री में। ये तो हमारा पेड़ होते हैं, वो भी तो खाना खाते हैं। कैसे बनाते हैं खाना? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे खाना अपना बनाते हैं उसमें पानी की जरूरत पड़ती होगी, पड़ती है, है ना? तो जब पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बना रहे होते हैं तो उन्हें चाहिए क्या, वाटर। तो वाटर अब कहाँ से लेते हैं? वो जो वाटर लेते हैं वो उनकी रूट से लेते हैं। कहाँ से? जड़ों से। जो जड़ें रहती हैं पेड़ की, वहां से वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, किसके लिए? खाना बनाने के लिए। किसके प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। समझ में आ रहा है? तो ये जो वाटर एब्जॉर्व हो रहे हैं पेड़ों में जो अपने खाना बनाने के लिए जो वाटर एब्जॉर्व करते हैं, उस वाटर के लॉस को, इस वाटर को लॉस ही हो रहा है एक तरह से वाटर का क्या कर रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो इस वाटर के लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, इवेपो ट्रांसपीरेशन। क्या? इवेपो ट्रांसपीरेशन। समझ में आ रहा है? इवेपो ट्रांसपीरेशन। इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई बात? अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब यहां से देखो फिर वही साइकिल बना कि नहीं बना। यहाँ से सन हमारा जो वाटर को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने से क्या हुआ, इवोपरेशन हुआ। इवोपरेशन से यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड बने। फिर ये क्लाउड क्या हुए, वहीं कुछ वाटर यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गए और कुछ विंड की वजह से क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह में गए। फिर वो प्रेसिपिटेशन हुआ, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस हुआ। फिर यही चीज़ चलती जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। साइकिल में कोई एंड होता नहीं है, है ना, सर्कल में तो कोई एंड है नहीं। तो वो ऐसी ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा और हमें वाटर साइकिल देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? वाटर साइकिल कभी नहीं आता है, लेकिन इसी से हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजी चालू हो जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? हर एक टर्म समझ में आया? अब इसी हर एक टर्म को हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं कि इवोपरेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या, हाँ यही सब है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास क्या क्या चैप्टर बने, चैप्टर हमारे पास क्या क्या बने, सबसे पहले एक ये प्रेसिपिटेशन हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या हो गया, इवोपरेशन हो गया, तीसरा चैप्टर मान लो रन ऑफ को मान लिए, चौथा इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, परकुलेशन नहीं है, इंटरसेप्शन हो गया, इवोपो ट्रांसपरेशन हो गया, उसके बाद कुछ और मिसलेनियस है, मिसलेनियस में क्या क्या है, मिसलेनियस में फ्लड एनालिसिस, हम फ्लड का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोग्राफ को देखेंगे, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोग्राफ्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें अगर मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, 2 से 3 दिन हमें प्रेसिपिटेशन ही पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद इवोपरेशन, उसके बाद नेक्स्ट फिर हो गया हमारा इन्फिल्ट्रेशन हो गया, रन ऑफ हो गया, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। क्लियर है, समझ में आया? तो थोड़ा सा हाइड्रोलॉजी के डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद वाटर साइकिल का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा फोटो बना लेना,
ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास से जब अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो उसको फिर चालू करते हैं कल से। इतनी है ना, ठीक है, तो फिर ठीक ठीक तो क्या है, अपन कल से जो है नया चैप्टर चालू करेंगे, प्रेसिपिटेशन हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ठीक है, जितने भी हैं बहुत है, बहुत है बहुत, ठीक है चलो लिखे लिखे, हेडिंग डालो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। एक फ्रेश कॉपी बनाना, क्योंकि नोट्स है ना, फिर बाद में नोट्स ही काम देते हैं, इसलिए एक यहाँ पे लिख रहे हो, दूसरा दूसरी कॉपी में लिख रहे हो, तो ऐसा मत करना, एक नोट्स बना लेना, ज़्यादा नहीं 100 पेज का नोट्स होगा, 100 भी नहीं होगा यार, ठीक है, उसको बना लेना, एक बार का काम रहता है नोट्स बनाने का, एक बार अच्छे से बना लिए, मार्कर वार्कर रख लो, वो क्या है लाइनर वाइनर, उसको मस्त लाइन से लाइनर कर देना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊँगा वहाँ पे। हाँ न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल बनाएंगे, शीट्स अलग अलग तरह की शीट्स दिए रहेंगे, ठीक है, कोई डाउट आएगा पूछेंगे, और फिर ऐसे ही चलता है। ठीक है बताओ, लिख लिए इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो गया, अब उसमें ठीक है हाइड्रोलॉजी, देखो हेडिंग डालो हाइड्रोलॉजी, हेडिंग डालो हाइड्रोलॉजी, ठीक है, ये सब बस लिख लो, कोई मतलब नहीं है, है ना, आने वाला है नहीं, हाइड्रोलॉजी तो लिखो, इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द occurrence of water, which deals with the occurrence of water, its flow on the ground, its flow on the ground, and movement of moisture into the atmosphere। ये ESC का नोट्स है, ठीक है, पूरा ESC का नोट्स लिखवा लेंगे, अब लिख लेंगे, मिल जाएगा सारी चीज़ें, कुछ कुछ जो चीज़ें नहीं रहेंगे उसको अलग से लिख देंगे, बताते जाएंगे क्या क्या नहीं है वो सब लिखते जाएंगे। हाँ, मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, What is the difference between hydrology and engineering hydrology? लिख लिया गया क्वेश्चन, What is the difference between hydrology and engineering hydrology? लिखेंगे इसमें हाइड्रोलॉजी में द स्टडी ऑफ वाटर विच इज मेनली कंसर्न्ड विथ एकेडमिक पर्पस इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। हेलो, यस मैम, यस मैम, माय लोकेशन इज भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़, यस मैम, यस मैम, सिविक सेंटर भिलाई छत्तीसगढ़, यस मैम, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड,
यस मैम, आज कितने टाइम पे? तुम आवाज़ कट के आ रही है। यस मैम, यस मैम। मैम टुमारो सही रहेगा क्या? ओके मैम, यस यस। देखो क्या, द स्टडी ऑफ वाटर विच इज़ मेनली कंसर्न विद द एकेडमिक एस्पेक्ट या पर्पस इज नोन एज अ हाइड्रोलॉजी, और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में लिखना, वेयर एज द स्टडी विच इज कंसर्न विथ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन विच इज, हाँ, वेयर एज द स्टडी विच इज कंसर्न विथ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन such as evaporation, infiltration, runoff, precipitation, flood, droughts, which is evaporation, precipitation, runoff, infiltration, flood, droughts, क्या बताओ? है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज इवोपरेशन प्रेसिपिटेशन रन ऑफ, वही सब लिखा हुआ है, इवोपरेशन प्रेसिपिटेशन रन ऑफ ठीक है, फ्लड, ड्रॉट्स, सूखा भी देखेंगे हम लोग। इज नोन एज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ठीक है भाई, लिख लो हाइड्रोलिक वाटर साइकिल, हेडिंग डाल लो वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं या वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो। द प्रेसिपिटेशन एंड इवोपरेशन कंटिन्यू The precipitation and evaporation continues forever and evaporation continues forever. The precipitation and evaporation continues forever. Therefore, a balance is maintained. Therefore, a balance is maintained between these two. This process is known as hydrological cycle. ठीक है, हाँ। The precipitation and evaporation continues forever. Therefore, the balance is maintained between the two, and this process is known as hydrological cycle. बना लो, maintain between two. This process is known as hydrological cycle. ठीक है, समझ में आया? आज इंट्रोडक्शन था, फिर कल से अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।
ना ना ना।